हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स लाइफ इंडिया। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के टाइम में अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। इस वीडियो का हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कि 6 महीने से छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए क्या करें, दूसरा जो 6 महीने से बड़े हैं उनके लिए हमें क्या करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, गर्मी पीक पे है, जुलाई का मंथ है, ये बेस्ट टाइम था ये वीडियो लाने का, इसीलिए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए। 6 महीने से छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड कराएं, हर 2 से 3 घंटे पे उन्हें ब्रेस्ट फीड कराएं या फॉर्मूला फीड कराएं। क्योंकि पानी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो ब्रेस्ट फीड में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो उन्हें उनकी कमी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है। इसीलिए 6 महीने से छोटे बच्चे हैं वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन नहीं होता है और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को आप ज़्यादा कपड़े में स्क्वैडल करके ना रखें। 1 महीने तक बच्चे एडप्ट हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट में, इसीलिए उन्हें ज़्यादा लपेट के कपड़ों में रखना सही नहीं है गर्मी के टाइम में। आप उन्हें सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ्स पहनाएं, लूज कपड़े पहनाएं, जिससे क्या हो उन्हें इजीली फ्रीली वो अपने हाथ पैर को मूव भी कर पाए, साथ ही उन्हें गर्मी भी ना लगे। प्लस कपड़ों को डेली बेसिस पे वॉश करें, अच्छे डिटर्जेंट से वॉश करें, जिससे उनके कपड़ों की वजह से उन्हें किसी तरह का इरिटेशन ना हो। पॉलिस्टर और सिंथेटिक क्लॉथ्स बच्चों के लिए यूज़ ना करें, वो बच्चों की स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं होती है। तीसरी चीज़ कि इस टाइम पे बच्चों के डायपर्स जो है वो फ्रिक्वेंटली आप चेंज करते रहो। डायपर देना तो ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हर 2 से 3 घंटे पे हमें बच्चों का डायपर चेंज करते रहना चाहिए, जिससे उन्हें ज़्यादा रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। मैंने डायपर के यूज़ पे अलग से एक वीडियो किया है, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो डायपर हमें रेगुलरली चेंज करते रहना है, जिससे उन्हें स्किन की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे बच्चे को डायपर फ्री और नैपी फ्री रखना चाहिए, जिससे क्या होता है उनकी स्किन जो है वो ब्रीथ कर पाती है। नेक्स्ट होगा सनस्क्रीन यूज़ करना। जी हाँ, बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन आती है, क्योंकि बच्चों की स्किन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी वो इफेक्ट हो जाती है सनलाइट वगैरह से। तो इस टाइम तो कोरोना वायरस के माहौल की वजह से आई नो आप सब बच्चों को घर पर ही रख रहे होगे, लेकिन आप अगर टेरेस पे ले जा रहे हो या गार्डन में ले जा रहे हो, अगर आप सुबह 7 बजे भी ले जा रहे हो वॉक पे या इवनिंग वॉक पे ले जा रहे हो, तब भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक लेयर फॉर्म करता है अपने आपके बच्चों के स्किन पे, जिससे उनकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है और सेफ रहती है। मैं अपनी बेटी के लिए कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ मामा अर्थ का सनस्क्रीन। ये बहुत लाइट है, इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, ये बच्चे की स्किन में बहुत इजीली ये मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है, जिससे बच्चों को कोई पैच वगैरह नहीं होता है इसका, और इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, बच्चों को इससे इरिटेशन नहीं होती है। ये 0 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मामा अर्थ के और भी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, ये मुझे बेस्ट लगा था इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए ये लिया था, और ये अभी भी मैं उसे लगा रही हूँ, क्योंकि ये 0 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है मॉस्किटो रेपिलेंट। बच्चों को अगर आप बाहर ले जा रहे हो तो इस टाइम पे मच्छरों से बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आप बच्चों के स्किन पे कुछ ना लगाएं, स्किन पे तो आप सनस्क्रीन लगाएं, बाकी और कुछ ना लगाएं। बच्चों के कपड़ों पे जो है आप वो डॉट लगा सकते हो, ये फैब्रिक का रोल ऑन डॉट आता है, आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा। जब भी आप बच्चों को बाहर ले जाओ तो ये उनके शोल्डर पे, कपड़ों पे या नीचे कपड़ों पे आप लगा दो, स्किन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप कपड़ों पे लगाओ। इससे क्या होता है मच्छर दूर रहती हैं। प्लस अगर आप बाहर धूप वगैरह में ले जा रहे हो बच्चों को, तो हैट, अम्ब्रेला ये सब यूज़ किया करिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप धूप से प्रोटेक्ट कर पाओ। आप धूप में डायरेक्ट बच्चे को ना लेके जाओ, बिकॉज जो धूप की रेज होती है वो छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, उनके स्किन बर्न्ड हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, इसीलिए आप बच्चों को डायरेक्टली सनलाइट में एक्सपोजर ना दें। अब हम बात करेंगे 6 महीने से बड़े बच्चों का।
तो 6 महीने से बड़े बच्चे जो है वो अब सॉलिड लेने लगते हैं, सॉलिड ले रहे हैं, वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो उन्हें क्या है, ब्रेस्ट मिल्क तो आप दे ही रहे हो, साथ में आप उन्हें पानी दे सकते हो। और पानी आपको किस तरह का देना है, पानी अच्छे से बॉयल होना चाहिए। जी हाँ, आप अच्छे से एक बार पानी को बॉयल कर लो उस क्वांटिटी में, और बॉयल करके एक बॉटल में आप भर के रख लो ताकि उसे पूरे दिन के लिए आप यूज़ कर पाओ। क्योंकि हम बॉयल पानी डायरेक्टली नहीं देंगे बच्चों को, आप पानी को थोड़ा सा ठंडा होके करके फिर आप अपने बच्चों को दो। इसीलिए आप पानी को एक बार बॉयल कर लो, एक कंटेनर में आप उसे भर लो और फिर उसे पूरे दिन यूज़ कर सकते हो। इस टाइम डिहाइड्रेशन की कमी ना हो बच्चों में, इसीलिए आप फ्रिक्वेंटली उन्हें पानी देते रहो। साथ ही साथ जब भी उन्हें आप सॉलिड कुछ फीड करा रहे हो, लाइक खिचड़ी, दलिया, कुछ भी फीड करा रहे हो, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी उन्हें आप दे सकते हो। भले वो आरओ का पानी क्यों ना हो, लेकिन आरओ के पानी को भी आपको अच्छी तरह से बॉइल करना है, उसे आप कंटेनर में भरोगे और फिर ही अपने बच्चों को देना। साथ ही वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स अपने बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि सॉलिड स्टार्ट करने के टाइम में फ्रूट एक अच्छा सोर्स होता है बच्चों को देने के लिए। आप वाटरमेलन दे सकते हो, मैंगोज दे सकते हो, ऑरेंजेस, साइट्रस फ्रूट दे सकते हो, जिससे उन्हें विटामिन सी वगैरह भी मिलेगी और वाटर की कमियां भी पूरी होंगी। वाटरमेलन, मस्क मेलन, इन सब में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये आप अपने बच्चे को दे रहे हो तो उन्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्वेट करते हैं उतना ही ज़्यादा वो डिहाइड्रेट होते हैं, उतना ही ज़्यादा उन्हें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेस्ट मिल्क तो वो ले रहे होते हैं, फॉर्मूला मिल्क ले रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो सॉलिड स्टार्ट कर चुके रहते हैं, इसीलिए उन्हें उनमें पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, बड़े बच्चों में भी सेम होता है, आप उन्हें कॉटन क्लॉथ्स पहनाएं, लूज पहनाएं कपड़े, जिससे वो फ्रीली खेल पाए या अपनी एक्टिविटी कर पाए, उन्हें किसी भी तरह की गर्मी ना लगे। साथ ही 6 महीने से ऊपर के बच्चों को आप समर्स के टाइम में दिन में जो है आप डाइपर अवॉइड कर सकते हो कम्प्लीटली, जिससे क्या होता है कि उनकी जो स्किन है वो ज़्यादा रिलैक्स रहेगी, ब्रीथ करेगी और उन्हें रैशेस वगैरह होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। साथ ही आप उसे पॉटी और पी की ट्रेनिंग भी दे सकते हो इस टाइम पे, जिससे वो जल्दी सीख जाएंगे, आपको बता पाएंगे कि उन्हें सुसु आई है या पॉटी आई है। तो ये आपको उन्हें ट्रेन करना, ये अच्छा टाइम रहता है। उसी के साथ साथ आप हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि गर्मियों के टाइम में यूरिन इन्फेक्शन, लूज मोशंस होना, ये सब बहुत आम बात है। तो यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं वो गीले कपड़ों की वजह से होते हैं। अगर आप बच्चे को नैपी में छोड़ रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि उनके जो लोअर्स और नैपी हैं वो गीले ना रहें, आप उसे फ्रिक्वेंटली चेंज करो। प्रॉपर ध्यान दो कि आपका बच्चा गीला ना रहे इस टाइम पे, जिससे उन्हें किसी भी तरह की यूरिन इन्फेक्शन वगैरह ना हो। उनके सब चीज़ों को आप अच्छे से वॉश करो, कपड़ों को, क्लोथ्स को, बेडशीट्स को, सब कुछ को, जिससे एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, जिससे उन्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। बड़े बच्चों को भी जो मैंने आपको दिखाया, मॉइस्चराइज़र आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, आप उन्हें सनस्क्रीन यूज़ करो। डेफिनेटली सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। मुझे भी पहले नहीं पता था कि छोटे बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन आते हैं, लेकिन हाँ, छोटे बच्चों को सनस्क्रीन आते हैं, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि मम्मा अर्थ का प्रोडक्ट है सनस्क्रीन, ये है 0 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आई होप मैंने आपके साथ वो सब शेयर कर लिया कि समर के टाइम में अपने बच्चों को हम कैसे ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। इस टाइम पे आप मच्छरों वगैरह से थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि मस्कीटोज वगैरह से बीमारी होने के काफ़ी चांसेस हैं। आई होप आप सभी गर्मी इन्जॉय कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल इन्जॉय नहीं कर रही, बिकॉज आई डिसलाइक समर, मुझे समर बिल्कुल पसंद नहीं। खैर, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, आपको समर पसंद होगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, काम नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। आई लव विंटर, सो आई हेट समर सो मच। खैर, चलिए आज का वीडियो हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। न्यूली पेरेंट्स स्पेशली, आप न्यूली पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं पता है और हमें भी नहीं पता थी, हमने पता किया तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए एंड करते हैं अपने इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।